हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई, हद से ज़्यादा तेज़ है धूप। चाय देने जा रही हूँ और धूप में ना बिल्कुल निकलने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, चाय तो देने के लिए जाना ही है। सिर में बहुत तेज़ दर्द है, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है, फिर भी निकलना क्या करूँ। सोचा अगर निकली हूँ तो व्लॉग भी स्टार्ट कर ही लेती हूँ। और हमेशा व्लॉग बाहर मतलब घर से स्टार्ट होता ना, कभी कभी बाहर से स्टार्ट हो तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट सा जो है वो लुक आता है। और बस आधा रास्ता कवर कर लिया हमने, आधा अभी करना बाकी है। और ये वही सूट है जो मैंने आपको हॉल में दिखाया था, काफ़ी अच्छा है ये। इसकी चुंदड़ी भी बहुत अच्छी है ये, थोड़ा सा कवर कर लूँ। और मास्क को मैंने नीचे ठोड़ी पे लगा लिया, बस ज़्यादा कुछ नहीं। एक बार पता नहीं सुबह से ही दुख रहा है, हाथ पैरों में पेन हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलो पहले चाय देख लेते हैं और को दिखाती हूँ वहाँ पे क्या काम चल रहा है। आज मैं गई थी ना सुबह 11:30-12 बजे गई थी मैं, तो थर्सडे आज वैसे मैं बता दूँ तो उस टाइम जिनने में ग्रेनाइट लग रहा था, मतलब उसको काट के चिपका के मोल्डिंग करके उन्होंने रख दिया था, आज से उन्होंने स्टेप्स लगाना शुरू कर दिया है। तीसरी स्टेप लगा रहे थे, अब मैं जाके चेक करती हूँ कि कितनी स्टेप्स लग गई हैं और आपको भी दिखाती हूँ और कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। प्लम्बर भी लगा हुआ है और वो भी लगे हुए हैं, क्या नाम है उनका, टाइल्स वाले भी लगे हुए हैं, प्लम्बर भी हैं और ये जीने वाला भी लगा हुआ है। और ये हुआ किचन की जो टाइल्स थी ना, उन्होंने वो जो सारी टाइल्स भेज दी, लेकिन बीच में जो हाइलाइटर, जो जिन चीज़ों को देखकर हमने जो टाइल्स पसंद की थी ना किचन की, हाइलाइटर को देखकर ही पसंद की थी, तो वो हाइलाइटर तो उन्होंने भेजी ही नहीं, तो वो कल भेजेंगे। बात हुई उनसे कि कल भेज देंगे, बाय मिस्टेक रह गई होगी, तो कल आ जाएंगी, लग जाएंगी। और लगा हुआ अभी प्लम्बर लगे हुए हैं, चलो चल के मैं दिखाती हूँ क्या काम चल रहा है। चलो अभी मैं आपको ना दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है। और ये जीना लगने का काम हो रहा है, मतलब स्टेप्स वगैरह लगती ना वो काम हो रहा है। और 3 स्टेप एक पैड़ा लग चुका है और शाम तक नहीं, अभी 2:30-2:30 बजे के आसपास का टाइम है, शाम तक तो ऊपर तक के स्टेप्स जो हैं वो लग गए थे, मतलब फर्स्ट फ्लोर तक के लग गए थे। उसके बाद आज ऊपर का काम होने वाला है। और ये टाइल्स लगा रहे हैं भैया स्टोर रूम में, ये स्टोर रूम है हमारा। और यहाँ पे ना ये बॉर्डर लगाने का काम आज हुआ था, इस रूम में टाइल्स तो लग गई थी लेकिन बॉर्डर नहीं लगा था, तो चारों तरफ ये बॉर्डर आप वाइट वाइट देख रहे हैं, ये आज ही जो है वो लगा हुआ है। और प्लीज़ ये जगह जगह सामान फैला हुआ उसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी तो कुछ दिन और इस तरह जो सामान मतलब मिट्टी विट्टी इसी तरह सामान जो है फैला रहने वाला है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का, बाहर के प्लम्बर जो है वो क्या कर रहे हैं। प्लम्बर जो है, जो एक बड़ा पाइप होता है मेन होल से कनेक्ट करना होता है, वो वाला पाइप जो है इन्होंने देखो खुदाई तो इन्होंने कर दी है। और अभी इस पाइप को ये उठा के भैया उसमें रखने वाले हैं और फिर उसको अच्छे से कनेक्शन जो है उसका वो करने वाले हैं भैया। तो इसको करने में भी ना बहुत सारा टाइम जो है वो लग गया था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो थक गए थे सब के सब जो है वो थक गए थे, क्योंकि ये जो टाइम है ना मतलब ऐसा था कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, 2 से 3 दिन में ना मौसम इतना बदल गया बहुत ज़्यादा। और ये फिर बाद में ना पानी वानी डाल के देख रहे थे मेन होल बेस पे, ताकि ये पता चले कि पानी ठीक ठाक से जो है वो अच्छे से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो वहाँ पे ये अंकल और ये भैया जो हैं वो लगे हुए थे, बस उनको चाय वगैरह देके फिर मैं आ गई थी वापस अपने घर की तरफ। और ये यहाँ पे अपना मटेरियल जो है वो बना रहा है, जो मिस्त्री जो बनाता है अपना वो बना रहा है। और उसके बाद बस मैं घर की तरफ आ गई थी ये सारा काम देखने के बाद। और ऊपर तो अभी जाना नहीं था क्योंकि स्टेप्स आज ही लगी हैं, तो इसलिए ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते थे। वहाँ पे देखो भैया लगे हुए हैं आगे तक की, जो ऊपर जो पैड़ा है ना, सुबह सब भी ना आपने देख लिया होगा कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। प्लम्बर वाले लगे हुए हैं, उन्होंने वो लगा दिया है, जो लंबा पाइप लगना होता है ना मेन होल में वो लगा दिया है। और उसके बाद जीने में भी लगे हुए हैं, दो लगा के पैड़ी, तीन
फिर वो है एक पूरा पैड़ा है वो लगा दिया, उसके बाद फिर एक स्टेप और है वो लगा दी, उससे अगली स्टेप्स के ऊपर काम चल रहा है अभी। और टाइल्स वाला भी स्टोर रूम में लगा हुआ है टाइल्स लगाने के लिए। और बस यही कुछ चला हुआ है, शाम तक देखो कितना काम होता है। अभी मैं शाम को आऊँगी 6 बजे, 5:45 या 6 बजे आऊँगी, उसके बाद देखते हैं कितना काम हो जाता है शाम तक। प्लम्बर का तो आई थिंक हो ही जाएगा सारा का सारा जितना भी होना है। और देखो कैसे क्या, धूप बहुत ज़्यादा है भाई। और मास्क मैंने इसलिए नीचे करा हुआ क्योंकि एरिया एकदम सुनसान है, आप देख सकते हो इस एरिया में कोई आता जाता नहीं है, एकदम सुनसान है। जिसके यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ ना, वहाँ पे 2-4 लेबर हैं, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, और इसलिए मैंने मास्क जो है वो उतारा हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, गला सूख रहा है बार बार। हाँ बस सबसे पहले अभी घर चलते हैं, चाय पीऊँगी, सिर में दर्द हो रहा है ना, चाय पीती हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था ना कुछ असाइनमेंट्स बनाने हैं मेरे को, तो ये वाला हिस्सा दुख रहा है, देखो ये वाला, यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है वो दुख रहा है। चलो अभी मास्क लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से ना एरिया अभी ये ख़त्म हो जाएगा और घर वर आने शुरू हो जाएंगे। टिल देन बाय बाय, और पहले हम घर पहुँच लेते हैं, मास्क लगा लूँगा, फिर देखते हैं क्या शेयर करते हैं अभी आपके साथ। और वहाँ से आने के बाद वरुण कर रहा था पढ़ाई, यहाँ पे ना मैं उसकी रीडिंग करवा रही थी बार बार, मतलब उसको राइटिंग का काम कब देती हूँ मैं, लेकिन रीडिंग जो है हिंदी और इंग्लिश रीडिंग जो है वो मैं बहुत ही ज़्यादा करवाती हूँ आजकल वरुण की, क्योंकि रीडिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आती तो है लेकिन एक प्रॉपर अच्छी रीडिंग होती है ना वो भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय, सिर में बहुत तेज़ दर्द था मेरे, तो रीडिंग कराते कराते मैं सोचा कि थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। और उसके बाद है ना चाय पी भी नहीं थी, उससे पहले जो है हिमांग जो है वो सो के उठ गया था, तो लड्डू नहीं उठा, क्या कर रहा है हिमांग, क्या बताना, पीज नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएगा, सोई सोई करी थी है नहीं करी, एक बार हाँ बोला एक बार मना कर रहा, क्यों भाई ऐसा क्यों, सोई सोई करी थी क्या, क्या नाराज क्यों हो रहा है फिर, हाँ बेटा। सो गाइस अभी टाइम हो गया है 6:15, अभी दिखा दूँगा आपको, 6:15 का टाइम हो गया है। और असाइनमेंट वहाँ से आने के बाद मैं तब से असाइनमेंट अपने लिख रही हूँ, अभी उठी हूँ मैं असाइनमेंट, एक असाइनमेंट कंप्लीट करके, और मेरे हस्बैंड आए थे वो बनाना लेकर आए हैं, ये देखो उनको क्लीन करना है। और पूरा मतलब किचन मेरी देखो कैसे फैली पड़ी है, किचन मेरी फैली पड़ी है, अभी इसको ठीक करना है। और सबसे पहले मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, मांझ दिए मैंने अभी धो देती हूँ बर्तन अभी, फिर मेरे को याद आया कि ब्लॉग तो स्टार्ट करना था, ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और बस पहले बर्तन क्लीन कर लेते हैं, बाकी का काम हम बाद में देखते हैं फिर। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे लंच के बाद, मैंने बर्तन किए ही नहीं थे चाय के, लंच के बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर जूस वूस बनाया था, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ड्यूटी से, तो क्या ये जो है शाम के बर्तन है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सिंक विंक भी बच्चों ने वॉश बेसिन सॉरी ख़राब कर दिया था और जगह जगह पानी फैला दिया था, तो मैंने थोड़ा पोछा वोचा भी लगाया अच्छे से, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। मतलब बिना हाउस हेल्प के दो दो घर और दो दो बच्चों को संभालना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन मैनेज करके जब चीज़ें चलते हैं ना तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से जो है वो मैनेज हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं डेली मेरे व्लॉग्स में कि मैं किस तरह बिना हाउस हेल्प के दो दो बच्चों को दो दो घर को मैं कैसे संभालती हूँ, इधर का भी देखती हूँ नए घर का भी देखती हूँ, तो बस ऐसे ही मैनेज कर लेते हम। और बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद जो है सबसे पहले यही होता है कि आप ना जो काउंटर टॉप होता है वो आपका सबसे पहले जो है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। और बहुत सारे काम ना कुछ ऐसे होते हैं बेसिक से काम जो ऐसे होते हैं जो अगर एक बार हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि लगभग हमारा 80-90% काम जो है वो ख़त्म हो गया। जैसे किचन की एकदम प्रॉपर क्लीनिंग हो, गैस वैस अच्छे से साफ़ हो, बर्तन क्लीन हो, और उसके बाद जो है बेड वेड हमारा है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा बिछा हुआ होना चाहिए, सोफ़े वगैरह लगे हुए होने चाहिए, तो बस
ये दो चार चीज़ें ऐसी होती है ना कि अगर ये ठीक ठाक है ना तो अगर हमें जो है काम कहीं ज़्यादा बर्डन फील नहीं होता है। और शाम का ये कैसा टाइम होता है कि मैं दो मटकी वगैरह भर के रखती हूँ, दोनों टाइम ही मैं भर के रखती हूँ मटकी, तो अगर मैं सच कहूँ तो, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले तो एक टाइम भरती थी उसमें काम चल जाता, लेकिन अभी जो है गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए जो है मैं दोनों टाइम अब मटकी भर के रखती हूँ। और किचन वगैरह सारा काम करने के बाद एक बार सिंक ज़रूर साफ़ करें। मैं जितनी बार भी किचन में आके बर्तन जो क्लीन करती हूँ उतनी बार मैं सिंक भी बहुत ही अच्छे से जो है वो क्लीन करती हूँ, और सारी चीज़ें धोने के बाद एक तरफ रख देती हूँ। अब मटकी में सिर्फ 3-4 गिलास पानी था तो उसको मैं अच्छे से वॉश करके फिर मैं इसमें पानी जो है भरने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ही पानी भर जाएगा उसके बाद मुझे अपने अब रूम बारी आती है रूम की। मैं आ गई थी रूम में, ये देखो हिमांग जो सो के उठा था ना, तो असाइनमेंट्स वगैरह करने के बाद मैं सारा काम जैसे करने लगती हूँ तो एक साथ ही सारा कर देती हूँ। हिमांग फैलाता रहता है जब तक उसको मतलब कोई बात नहीं फैला लो, जब मैं काम करने लगती हूँ तो एक साथ ही सारे घर का काम जो है वो कर देती हूँ मैं। और हिमांग यहाँ पर बोल रहा था कि टीवी चला दो, तो मैं उसको मना कर रही थी नहीं बेटा अभी टीवी नहीं चलाना है, आप फुटबॉल के साथ खेल लो, बॉल के साथ खेल लो, बहुत सारे टॉयस हैं उनके साथ खेल लो, लेकिन वो मान नहीं रहा था। और ये चादर आप जो देख रहे हैं ये हिमांग ना ओढ़ के सोया जो है हुआ था, तो अभी इसको ना वीक में एक बार तो धोना ही पड़ता है चादर को, क्योंकि बच्चे इसको ले दिन में भी लेके रहते हैं इसीलिए। और बस अभी रूम मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। रूम के क्लीन होने के बाद थोड़ा सा हिमांग को बाहर गली में घुमाऊँगी, तो उसको जो है सैंडल वैंडल पहना के और फिर उसको मैं थोड़ी देर बाहर जो है वो घुमा दूँगी, क्योंकि बाहर गली में घुमाऊँगी, गली से बाहर कहीं नहीं लेकर जाऊँगी। वैसे भी मैं कहीं भी जो है बच्चों को लेकर तो मैं जाती नहीं हूँ, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि मतलब मेरे को लेकर जाना पड़े, जब काम मेरे को ऐसा हो ना कि बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को वहाँ पे, तब मैं कभी लेकर जाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं लेकर जाती हूँ। ये है हिमांग की पजामी और ये हैंड टावल, और ये वैसा ही होता है बच्चों वाले घर में कि जगह जगह सामान ऐसे ही फैला रहता है। और बस ये देखिए प्रॉपर एक बार दिखा देती हूँ, अच्छे से रूम हमारा क्लीन हो गया है। ये देखो बेडशीट भी बिछा दी है अच्छे से और पर्दे वर्दे लगा दिए हैं, रूम एकदम क्लीन हो गया है चकाचक। अब बारी आती है, हिमांक मान नहीं रहा था कि मैं कह ठीक है बेटा बैठो मैं सैंडल वगैरह आपको पहना देती हूँ, तो बस ये सैंडल वगैरह पहनाने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर बाहर घुमाया, और फिर बाहर क्या घुमाया ऐसे ही गैलरी में ही घूम रहा था। तब तक मैंने सोचा कि मैं झाड़ू पोछा वगैरह थोड़ा सब, क्योंकि बच्चों ने फैला दिया था हिमांग का को ना पानी का, जैसे ही मौका लगता है ना तो वो जगह जगह पानी फैला देता है, तो बहुत ज़्यादा पानी हो गया था। और वरुण ने जैसे ब्रश की थी ना तो वॉश मशीन थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैं वही क्लीन कर रही थी। ऐसे ही थोड़ा सा ना टाइम से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं तो सारी चीज़ें हो जाती हैं अच्छे से मैनेज, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। और थोड़ी थोड़ी बीच में है ना ये आंधी चल रही, तो दरवाजे लगने की आवाज़ भी आ रही होगी। और ये सारा करने के बाद थोड़ा थोड़ा ना पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि दिन में बच्चे कुछ खाते हैं तो गिरा देते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो मैं शाम को अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं थोड़ा बहुत पोछा वगैरह भी लगा देती हूँ। बस ये हमारा वॉश बेसिन अच्छे से क्लीन हो गया है, और कैमरा इतना हिल रहा है क्योंकि ना ये बिना माने मैं इसको ट्राइपॉड में लगा रही थी, लेकिन जो है वरुण माना नहीं, नहीं मम्मी मैं पकड़ूंगा, मैं कहा ठीक है बेटा आप कर लो, मान ही नहीं रहा था, मैंने उसको बहुत मना किया, तो इसलिए थोड़ा सा ट्राईपॉड जो है वो ट्राईपॉड ही वो यही मांग वर उनको पकड़ना नहीं आया तो उसको आएगा भी नहीं। मैं उसको चीज़ें करने के लिए देती नहीं हूँ इसलिए बोल रही हूँ ये चीज़ें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना विद द बेल आइकन आएगा उस पॉल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। टिल देन बाय बाय।